Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna Lillahi wa Inna Ilayhi Rajiun. आपने पूछा है हजरत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी अब रहमतुल्लाह अलैह बन गए हैं, बहुत ज़बान लड़खड़ा रही है, दिल की कैफियत बड़ी अजीब किस्म की है। हजरत वाला से कल रात ही बात हुई और आज 3 तारीख को 2 बजे के करीब जो है हजरत वाला इस दुनिया से रुख्सत हो गए। हजरत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अमीर शरीयत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी के साहिबजादे और मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह बानी नदवतुल उलमा के पोतरे हैं। आलम इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला ने आपकी शोहरत और मकबूलियत इस कदर अता की है कि पूरी दुनिया के अंदर आपकी इल्मी खिदमात, आपके कौमी मिल्ली खिदमात नुमाया है। हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी दामत बरकातहू ने एक सियासी एतबार से एक बहुत बड़ा यानी मकाम हासिल किया था। वो 2 मरतबा डिप्टी स्पीकर बिहार रहे हुए हैं, 22 साल MLC रहे हैं और उस सियासी ज़िंदगी के बाद दावत व तबलीग के अंदर, राह सलूक के अंदर खानकाह रहमानी में अपने वालिद के जानशीन बनकर बैठे। उन्होंने खानकाह रहमानी के ज़रिए से सूफियों को जो पैगाम दिया और सूफी इज़म के सिलसिले में जो एक नए ख्याल, नए अफकारात दिए, उसी के साथ साथ उन्होंने जामिया रहमानी के ज़रिए से तालीम और तदरीस के एतबार से बहुत नुमाया खिदमत अंजाम दी। और आखिर में हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब की फ़िक्र का अंदाज़ा इससे लगाइए कि कौम और मिल्लत के लिए जो दर्द रखते थे, आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी रहे, अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा, झारखंड, 3 रियासतों के अमीर शरीयत रहे, उनकी खिदमत बहुत नुमाया इमारत शरिया के ज़रिए से भी है। रहमानी 30 के ज़रिए से हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने वो नुमाया खिदमत अंजाम दी है कि किसी का तसव्वुर नहीं हो सकता कि कोई आलिम दीन जो है डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के सिलसिले में या सिविल सर्विसेज के सिलसिले में कि वो कलेक्टर और कमिश्नर हमारे कौम के बेटे और बेटियाँ बने, ये फ़िक्र रखता हो। इसमें उन्होंने जो काम किया है, जो माहिरीन तालीम हैं वो ख़ुद महसूस करते हैं कि मौलाना वली रहमानी ज़रिए से, रहमानी 30 के ज़रिए से जो काम हुआ है वो शायद बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों ने भी अंजाम नहीं दिया है। मेरे शेख मोहतरम मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी की वो खिदमात जो सियासी, समाजी, इक्तिसादी एतबार से, और अभी हाल में उन्होंने तकरीबन 50 एकड़ ज़मीन लेकर एक बहुत बड़ा मनसूबा बनाया था। अमीर शरीयत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी की जो फ़िक्र थी, उसी को सोच को, उसी फ़िक्र को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा, तारीख़ी कारनामा अंजाम दिया है। बोर्ड की खिदमात उनकी जो है नाकाबिले फरामोश हैं और मुझ जैसे अदना खादिम को ये शर्फ हासिल है कि हज़रत मौलाना वली रहमानी की नज़र करम ने इस गुनाहगार को खलीफा व बजाज तक के पहुँचाया। उन्हीं का एहसान है कि उन्होंने आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मुझे मेम्बर बनाया। हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब ने बेशुमार लोगों को तख्त व ताज दिलाया, किसी को MLC बनाया, किसी को जो है MLA बनाया, किसी को MP बनाया और नुमाया खिदमात अंजाम देते हुए इस दुनिया से रुख्सत हो रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, नौजवानों, ये हज़रत मौलाना वली रहमानी की खिदमात जो है ऐसे कई सफहात भर जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। हम तमाम उलमा और तमाम खानकाह रहमानी के मुरीदीन व मुतवस्सिलीन अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाएँ, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला जगह नसीब फरमाएँ, उनकी खिदमात को बेइंतहा कबूलियत का दर्जा अता फरमाएँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।